ये इन्हीं मुद्दों की लड़ाई है सरकार से भाई, सीधे टकरावांगे। कह नहीं ऊं तो मेरे लिए राम ने मार दिए भाई बकरे की डाल, मैं करकी को नहीं मरदे, चाहे सिर कटवाना पड़े लड़की मरा। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गांव गुराणा में फिलहाल आप पहुंचे, आपने पता जिस तरीके से खेड़ी चोपटा से पैदल यात्रा जो हिसार के लिए चल रही है, 14 तारीख ने हिसार पहुंचे सेक्ट्रेट में। हर गांव में लगातार किसानों का जो स्वागत है वो होने लग रहा है। पीछे अभी बदौड़ गांव आए थे, गुराणा गांव में आप देख सको खेतों में भी स्वागत कराया गया, किसानों ने स्वागत कराया, किसानों का स्वागत कराया गया। इबी माला लेकर तैयार खड़े हैं और चाय पानी का चाय पकौड़े का प्रोग्राम भी कराया गया, वो अंदर आपा तक दिखाया गया। उस साइड से यात्राएं भी गई, एक बार दिखाई दे खेड़ी जल विशेष सार किसान अधिकार पद यात्रा, किस भारतीय किसान मजदूर यूनियन जय जवान जय किसान, यानी एक बैनर और तिरंगा झंडा और भारतीय किसान यूनियन के झंडे उरा जा पौन पौने उरा जा उरा उरा जा दिखा दे एक बार उस साइड कर दे, आ रहा दिखा दे एक बार। ये देखो भाई मान सम्मान और स्वागत किसान, डोरी का ध्यान रखे ऊपर, डोरी का इसे साइड रखा राम राम। ये देखो भाई सारे किसानों का स्वागत, सारे किसानों का मान सम्मान इस साइड और दिखा दे, यानी जो पैदल यात्रा चल रही सारे पैदल हैं, ट्रैक्टर भी साथ में, मोटरसाइकिल भी साथ में, गाड़ी भी साथ में, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। और फिलहाल 13 तारीख तक संख्या कम रहोगी, 14 तारीख ने एक बड़ा काफिला जा रहा होगी संख्या में जो सेक्ट्रेट में पहुँचेंगे बात करने खातर। और गुराणा गाँव में चाय पानी का प्रोग्राम और सारे किसान पहुंच गए, हर तरीके से हर गांव में लगातार जड़ जड़ को यात्रा निकलने लग रही है, हर गांव में प्रोग्राम होने लग रहे हैं। और बड़ा अच्छा तरीका था, भाईचारा का एक अच्छा मैसेज भी जान लग रहा है, जिस तरीके से इनका स्वागत और मान सम्मान कराया जाने लग रहा है, चाहे रोटी पानी की बात हो चाहे पानी की बात हो, यानी भाईचारे की एक भावना हर गाँव में तो दिखने लग रही है। और सारी की सारी गाड़ी ट्रैक्टर झंडे वो लाइन में अपने दिखने में लग रहे हैं। और तले भी दिखाई दे एक बार पानी के कैंपर भी धर रखे हैं, चाली बाग है दिखाइए, ये छोरा खड़ा छोटा दूसरा ने भी दिया दिए पिछले ने भी आ जाए बस फोटो तो रह दी तेरे, हाँ इनके पैर तो सारे दिखा दे। आज भाई दिखा देंगे आपने, यानी किसान पहुंच गए हैं, पैदल यात्रा पहुंच गई है और चाय पानी आज इस तरीके का बड़ा अच्छा तरीके का प्रोग्राम कर रखा है। दिखाया देख बार नहीं है उसमें कटोरी में जमा बढ़िया तरीके, अरे नहीं पूछ ले किसे कहता हुआ सही होंगे आगे आगे आज भाई आज उड़ान आज ले भाई तीनों माला तो स्वागत चल रहे थे, चादर तभी मान सम्मान कराया जाने लग रहा है। यानी बुजुर्गों का मान सम्मान जो जरूरी है अपना हरियाणा में, बुजुर्गों का मान सम्मान इसे प्रोग्राम देखे होंगे अपना भाई, मंत्री आ रहा जब, लेकिन किसान ही होने लग गए हैं प्रोग्राम और बड़ा बढ़िया तरीके से ये देख लो दिखा दे मड़ावरा अगे जाके ये देख लो भाई, यानी एक प्रकार का VIP प्रोग्राम, जबरदस्त प्रोग्राम। किसानों का असली मान सम्मान और ये दिखा दिया, ये देख लो भाई लाल हरी चटनी के साथ पकौड़े और चाय, गुराणा गांव में यात्रा पहुंच गई है। और इसके बाद जो है डाटा गांव में यात्रा जाओगी चाय पानी के बाद, करीब 4 बजे तक चलेंगे, डाटा गांव में रात्रि का ठहराव होगा और उसके बाद जो है कल से फेरी यात्रा उसी तरीके से चल देगी। 12 और 13 13 तारीख न रात ने मिर्ज़ापुर का प्रोग्राम रहेगा और मिर्ज़ापुर तक 11 बजे फिर हिसार के लिए यात्रा चल देगी। और बाकी दिखा दो बंदोबस्त बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया, सारे भाई यहाँ से तकरीबन बढ़िया स्वागत होने लग रहा है सारे, रोटी पानी का तो आप सारी बातों का बहुत बढ़िया भाई, इसमें तो जगह जो अपन देखा नहीं मंत्री आ रहे जो आकर दे किसानों का भी स्वागत होगा भाई साहब, इन तो ऊपर मंत्री क्या करे, मंत्री इन्हें गला है इन बिना जमींदार अपना मंत्री अब के है आपने बैठा के उस जगह, और मंत्री तो 5 साल खाते रहे लेकिन जमींदार आ रही है, किसान जो मजदूर रही है सारी उम्र के उन्होंने बनाने वाले आए हैं। प्रधान जी
जो कर मंत्रियों के प्रोग्राम होया अगर न्यू मेजा का अगे वह तो पाँच साल खतर हो लेकिन असली प्रोग्राम ही न्यू दिखने लग गए भाई किसानों का भी इस तरीका प्रोग्राम हो सके भाई मारी घर की मेज मारे पकौड़े आमे धरनी करते फिर किसी और खतर धरने पर जा रहे वादा देखो मान सम्मान सबका करना पड़े जे चाह की घूट में पीना उनती बीच में इसमें पह दिया रिश्ता पे पीना मड़ा उनकी ज्यादा कदर हो यार नहीं भाईचारा समझ गया ना भाई खुद भाई यही कदर फालतू कर लिया तो बढ़िया बटाला साहब के कहोगे जिस तरीके का आप भी यात्रा में साथ हो मतलब बड़ा अच्छा तरीका था भाईचारे की एक भावना यानी बढ़न लग रहा है इस चीज़ तय रोटी पानी ना लेगा जो कर ब्याह में टेंट का प्रोग्राम का डर न्यू और चाय पानी का बड़ी अच्छी व्यवस्था लोग करने लग रहे जिस गांव में यात्रा जाओ। हाँ ये एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं हम के जो किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी जा रही है किसान उसमें अपनापन देख रहा है ये मान रहा है कि असल जो हमारे हितेशी हैं ये लोग हैं इन यूनियन के लोग हैं जो किसान यूनियन के वो ही हमारा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं नहीं तो सरकार जिनकी बात आप कर रहे थे ना उन नचा पे आकर दे वह तो खेड़ी चोपटा का जो सहायता राशि थी उसकी सारी ने अटकी जिम गए नानूदाला MLA का आकर गौतम जी बिला भाई सारा सौदा जीम के उसकी 16 करोड़ आ रहे हैं उनने बंड नहीं ला करे और उसमें तो कटौती करे हैं यो सारा इलाका पानी का भरा है साहब। इन सारी बातों को लेके इस भाईचारे ने आज नहीं दिखा है कि भाई ये हमारे योद्धा हैं कोच साहब लड़ाई लड़ने लग रहे हैं आज इनका सम्मान भी उन तो फालतू होने लग रहा है भाई। हाँ और खेता में थी ने काम कर दी बरसीन कट दी छोड़ की ने बहुत छोरी नू सम्मान करें थी राम राम करें थी और नू मुक्का तान की नू का थी डटे रहो लड़ाई लड़ांगे ये भावना बड़ा बदलाव देख रहे हैं। मतलब यू भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब खेता में तो जब मारी चाची ताई है वो अपने दाती तक छोड़ कर ना खड़े हो गए इस तरीके का मतलब एक हौसला तक दे। हाँ हाँ बहुत हौसला हमने भी हौसला मिला है भाई चालनिया ने और उनने भी न्यू आसरा हो गया कि हमारे रुखाड़े भी हैं यूनियन के लोग हमारे हक की लड़ाई लड़न लग रहे हैं नहीं तो जो इलाका इस ऊपर का इलाका है साल भर हो गया दाना बीजी पशुआ ने चारा नहीं डर उड़े तो इसी बुरी दुर्गति में जो कल्याणकारी राज्य कुआ हुआ है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया भाई कि ये कल्याणकारी को नहीं अपना पेट भरवे हैं और हमने इनके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ये बदलाव देख रहे हैं और लड़ाई लड़निया का जो भाईचारा बड़ा मान सम्मान कर रहा है हम तो उनका आग्रह गदगद हो गए छाती फूल है यो हाल देख के प्रधान जी इस एरिए के लोग अगर देखा जाओ तो वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि जब पानी चढ़े है पिछली बार भी की बार हम कवरेज खतरा आए थे मतलब बड़ा बुरा हाल है। बिल्कुल यहाँ हालात ये है मैं बात बताऊँ ये गांव बड़े हमारे हिसार जिले के सम्मान के गांव है प्रगतिशील गांव होते थे आज ये गांव दूसरे बराबर के गांव से 20 साल पीछे चले गए अच्छी सारे डांगर बेचने पड़ गए जो बालक पढ़िया कर दे अच्छा खर्चा लाया कर दे वह उनमें भी कटौती होगी जो कर आमदनी नहीं रही दो साल तय जो पैसा बैंक वो कम लिया उनकी किस्त पुगरी नहीं यानी हालात बहुत ख़राब हो गए इन गामा में और अब की बार भी जे पानी चढ़ गया मैं अपना बताऊं इतना कर्जा के नीचे किसान और मजदूर दबरिया आत्महत्याओं की लाइन लगी। स्थाई प्रबंध क्यों नहीं कर दी सरकार आई बार धरने भी चल आवाज भी यही तो है कि बात सुनो ये क्या कि ये क्या कर रहे हैं कोई मान ले 10 आदमी किसी मंत्री दौरे बिगे डी या प्रशासन दौरे बिगे हमारा पानी तारो जी हाँ बहुत जल्दी आपकी कार्रवाई होगी अभी ड्रेन का आपका वो चल रहा है अभी आपकी पाइपलाइन चल रही है प्रस्ताव में है आपके अभी मैंने वहाँ भेज दी। अरे तो जो जो आदमी जब आड़े तक डूब जे नहीं यार फिर चिट्ठी लिख दे मुख्यमंत्री दौरा है अब मुख्यमंत्री जवाब देगा जो ही बचाऊंगा भाई एक आंगल का बीचा है नाश का एक आंगल मर दे और डूब के मर जाएगा फिर चिट्ठी लिखता है फिर ये आज तुरंत जरूरत है इन गांवों को बारिश के मौसम से पहले इनके पानी का ठोस प्रबंधन की तुरंत जरूरत है। इसी बजट में जो 23 तारीख को अभी बजट पे सत्र आने वाला है इसी सत्र में इनको बजट अलाट करके इनका पानी का ठोस प्रबंधन करो जिन गांव में ड्रेन से होता है ड्रेन से करो जिन गांव में वाटर रिचार्ज के बोर लगाने वाटर रिचार्ज करो जिन गाँव में पाइपलाइन वगैरह का से आप समझते हो संभव है वो वहाँ करो कुछ भी मत कर ई फिलहाल जरूरत है इन गांवों का पानी उतारने की वरना आगे तो आपकी सिर्फ थोते वादे और ये मुद्दों की लड़ाई है साहब ये इन्हीं मुद्दों की लड़ाई है सरकार से भाई सीधे टकरावांगे कैन ऊँ तो मेरे लिए राम ने मार दिए भाई बकरे की डाल मैं करकी को नहीं मर दे चाहे सिर कटवाना पड़े लड़की मरांगे ये फैसला है।